ठीक है। तो 2019 से पहले तक मैंने मतलब मुसलसल पढ़ाया है। फिर कोविड की वजह से, कुछ शिफ्टिंग की वजह से मेरा शहर बदल गया था, तो फिर कई सारी मुश्किलें हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में बच्चियों को, अपनी अपनी बच्चियों को खास तौर पे, तो ऐसे फिर ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते करते आज आप तक पहुंच गए। माशाल्लाह जी, और लोग भी बताइएगा, चैट में बता दें या जस्ट पैसे बता दें, क्योंकि मैं एक जस्ट डेटा लेना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिमीशा हूँ वालेकुम वालेकुम और सलाम। मैं न्यूट्रिशन की, ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्टूडेंट। मेरा थर्ड ईयर है, अब फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा। और मेरा कुरान से इतना कोई खास रिलेशन नहीं है। मैंने कंप्लीट तफसीर ना ही तर्जुमा कंप्लीट उसको पढ़ा है, और मैं आपके सेशन इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं कोई अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकूँ अंडरस्टैंडिंग का अपने कुरान के लिए। माशाल्लाह, देखें हमारा ये जो सेशन है ना, इसको करने का मकसद ही ये है कि इंशाल्लाह ये जो सीरीज ऑफ सेशंस है, इसको करने का मकसद ये है हम अपने आप को कुरान से जोड़ें किसी भी तरह से। मैंने जिस तरह से आम जो पैटर्न होता है दर्स का और तदरीस का, मैंने वो भी करके देखा है, तर्जमा तफसीर भी पढ़ा के देखा है, लेकिन मेरी चूंकि एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा इल्म बहुत उस लिहाज से मैं नहीं कह सकती वसीया है कि मेरे पास हदीस का भी जखीरा, मेरे हाफिज़े महफूज हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। जैसे डॉक्टर इसार अहमद की एक अपना है, उनकी पहचान है, और बाकी जितने भी मुफस्सिरीन हैं उनकी अपनी एक पहचान है। तो मैंने उनकी जब अलग अलग तफासीर पढ़ी हैं और मैंने उनको एनालिसिस किया है, सुना है, तो एक चीज़ मैंने देखी है, वो ये कि कुरान जो है ना, वो अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? जी जी कुरान आ जो है रही है। ना, जी, कुरान जो है ना, ये अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज में इंसान के पास भेज दी अरबी जुबान में, और अरबी जुबान एक इंतहाई फसीह बलीग जुबान, ये हम सबको पता है। और अरब जो थे ना, वो इसकी जुबान देखकर ही दंग रह गए थे, जब उनकी अपनी जुबान की इंतहाई पीक, जो फसाहत और बलागत की पीक थी ना, उसको अल्लाह ताला ने छुआ था। और यही चीज मैंने ना बाकी मुफस्सिरीन और जितने भी लोगों को सुना है, मैंने उलमा को सुना है, मैंने ये चीज नोट किया है कि वो अपने अपने स्टाइल से ना कुरान पाक का हमें मतलब समझाते हैं, वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बेशक मैसेज अल्लाह का है, लेकिन वो अपने स्टाइल में, एक जिसे कहते हैं ना, अपनी नॉलेज के मुताबिक, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, और अपनी समझ के, जो अल्लाह ताला ने उनको समझ दी है ना, उसके मुताबिक। अब देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये कहीं भी नहीं कहा, हर जगह कहा है कि अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, गौर फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, तुम सोचते नहीं हो। अब वो किसको कहा है? वो तो इंसान को कहा है। ऐसा तो नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली, जितने भी तफासीर लिखने वाले इब्ने कसीर हैं या मौलाना मदूदी साहब हैं या डॉक्टर निगहत हाशमी हैं, इनको टारगेट करके कहा हो। अल्लाह ताला ने तो इंसान को ओपन एक चैलेंज दिया है, एक ओपन जिसे कहते हैं ना, इनविटेशन दिया है कि आपने सोचना है और गौर फिक्र करना है, खुद सोचो, मुझ तक पहुंच जाओ। देखें, अब मेरी ना बेटी आज दोपहर को मुझसे यही सवाल करी थी कि मम्मा, हम मुसलमान हैं तो कुरान 1400 साल पहले आया था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीमात आम की, और हम मुसलमान हैं, तो उससे पहले जो लोग थे क्या वो मुसलमान नहीं थे? अब अगर हमने कुरान ना पढ़ा हो या हमें हिस्ट्री ना पता हो अपनी, तो हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, और ये हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उन्हीं से आगे जो है ना, वो अम्बिया की शाखें, जो पे दर पे रसूल भेजे बनी इसहाक में, पे दर पे भेजे, और आखिर में जो है ना, यहूदियों को सबसे बड़ी जो जिद और इनाद है वो यही है कि ये नबी जो है बनी इस्माइल में कैसे आ गया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आखिर में, दरमियान में कोई नबी नहीं है उस, एक जिसे कहते हैं ना, पीढ़ी में या उस नस्ल में, एंड पे आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो उनका जो है ना सबसे बड़ा मसला ये है मुस्लिम्स के साथ, कि वो कहते हैं कि ठीक है, हम अल्लाह को भी मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत ईसा को बीच में से निकाल दो, हम इनको नहीं मानते। तो उसने मुझसे जब ये कहा ना, मैंने उसको ये बात की है। अब देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक अपनी जुबान में नाजिल किया, और जितने भी लोग हैं ना, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी तफासीर पढ़ी है, खाला जान स्पेशली, आपने माशाल्लाह पढ़ाया भी है बहुत अरसा कुरान पाक, आपने बहुत तफासीर पढ़ी होंगी, आपने देखा होगा कि हर एक का अपना जुदा स्टाइल है, हर एक का अपना एक अलग ही स्टाइल है। आप उसको सुनते हो ना, तो वो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है।
डॉक्टर इसार अहमद को सुने, उनका एक इनकलाबी, उनका लहजा भी बड़ा जबरदस्त किस्म का, कि वो खिलाफत कायम करने के जो है ना, वो उनका स्टाइल ऐसे होता था कि वो खिलाफत चाहते हैं और उसी के लिए वो कोशिश कर, वो भी करते हैं और सबको कोशिश करनी चाहिए। अब जहाँ तक बात है, आप डॉक्टर फरहत हाशमी को सुने तो माशाल्लाह उनके पास इल्म इतना ज़्यादा है, पीएचडी स्कॉलर हैं, उनके पास अहादीस का ख़जाना है, उनके पास फिक बहुत मसाइल उनको पता है, तो वो जब बात करती हैं ना, वो उस लिहाज से बात करती हैं। फिर उनको ऑफकोर्स पीएचडी डॉक्टर हैं, साइंस उन्होंने पढ़ी है, वो जब बात करेंगी वो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें भी करेंगी। तो ये जो है ना, अगर हम अपनी फील्ड को ले लें, तो मैं जब कुरान पाक को देखूंगी ना, तो मैं उस नज़र से देखूंगी कि यार मैंने जो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है जिस फील्ड को या जिस चीज़ में खपाया है। आप लोगों में से माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोगों को 10,000 आवर्स थ्योरी का पता होगा, तो जिस चीज़ में स्पेसिफिकली हम अपने बहुत ज़्यादा घंटे, यानी 10,000 घंटे हमने तो भी इतने नहीं दिए ना, मैंने तो मैथमेटिक्स को इतने नहीं दिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरेगी हम इस फील्ड में काम करते हैं वो घंटे भी पूरे हो जाते हैं। तो जब हम एक एक चीज को इतना अपना टाइम देते हैं ना, हमारा दिमाग और हमारी नफ्सियात और हमारा जो फलसफा है ना, हमारा जिस्म का भी और रूह का भी, वो ऑटोमेटिकली उस पैटर्न पे सोचने लगता है। तो अगर वो ऐसे सोच सकते हैं, वो अपने जहन के मुताबिक और अपनी अक्ल व फहम के मुताबिक, अपनी फरासत के मुताबिक, तो हमें भी सोचना चाहिए आगे बढ़ के। और ये हम कैसे सोच सकते हैं, देखें मेरे जहन में ना, आप लोग भी जब बच्चे होंगे बहुत सारे सवाल आते होंगे आपके जहन में। मेरे जहन में एक सवाल आता था और अभी भी आता है ना, कि क्या ऐसी क्या बात थी कि हम सहाबा कराम जैसे नहीं बन सके, हम बचपन से कुरान पाक पढ़ते आ रहे हैं, ये आयतें हम पे असर क्यों नहीं करती, और उन पे इतना ज़्यादा असर कर गई कि यानी कि वो निकले और 30 साल में इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया, तो वो आग जो है वो हम में क्यों नहीं भड़क सकती, वो आग कहाँ गई। अब जब मैंने ये सोचा, तो फिर मैंने ये सोचा कि ये जो अरबी जुबान है ना, ये मेरी नहीं है, और हमें एक सोची समझी साजिश के तहत इस जुबान से दूर किया गया है, अपनी जुबान से, क्योंकि जो इंसान की अपनी जुबान है ना, वो आप पे जज्बाती तौर पे बहुत असर करती है, आपकी रूह पे भी गहरा एक असर छोड़ती है। आप उसी जुबान में कोई भी बात सुनेंगे, कोई शेर सुनेंगे, आप पे बड़ा असर होता है। लेकिन आप कोई भी, आपको इंग्लिश आती भी हो, हम सबको आती है, इतनी आती कि हम थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन हम उस जुबान की साइकोलॉजी को हम नहीं समझते। ठीक है, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स में बड़ा फर्क होता है, ठीक है, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में बड़ा फर्क होता है। तो जब आप एक जुबान आपको बोलनी आती है, समझ नहीं आती है, लेकिन आपकी नफ्सियात जो है ना, वो उसको कैच नहीं कर पाती। क्या मतलब कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं जब भी सोचूंगी ना बैठ के कोई भी चीज़, तो मेरे जहन में उर्दू में सोचें मेरी चल रही होंगी, क्योंकि हमारी लैंग्वेज उर्दू है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम अरबी में सोच रहे हों, क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है। तो सबसे बड़ा जो एक मुझे एक जो नज़र आया ना, कि जो ब्रिज टूटा हुआ है, कि हम उस नहज को नहीं पहुंच पा रहे, हम उस पीक को, या जिसे आप कह सकते हैं, हम उस सोच को, उस तदब्बुर को नहीं ले पा रहे, जिसका सिरा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पकड़ा हुआ था, वो क्या है, वो है अरबी जुबान। और अरब चूंकि वो उस जुबान को समझते थे, तो ये कैसे हो सकता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान का एक टुकड़ा जो है वो सुना और वो फौरन से ही मान ले आए, ये किस तरह से हो सकता है। तो ये जब हम इन सारी चीज़ों को सोचते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा बैरियर जो है वो ये जुबान है। तो हमें इस जुबान के साथ अपने आप को ना कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें ना मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, और बड़ा ही ईमान अफरोज वाक्य है। एक ग्रुप है, वो ग्रुप जो है ना, सिर्फ रिलीजन कह लें, रिलीजन भी नहीं कह सकते, वो कहते हैं हमारा किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, ना वो आखिरत पे यकीन रखते हैं, ना वो किसी नबी को मानते, बस वो ये चीज मानते हैं कि अल्लाह कोई ना कोई क्रिएटर है। तो अब उनका नाम फारूक है, उस आदमी का नाम, लड़का कह लें, आदमी कह लें, ही इज अ गाय, यंग गाय, उनका नाम अब फारूक है, पहले एंड्रयू नाम था। तो उन्होंने मैंने कल ही उनकी ये पूरी रिसर्च और उनकी पूरी बात मेरे सामने आई, मैं आपके साथ एक किताब शेयर कर रही हूँ, यानी कि एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये काइंडली मुझे ना अलाउ करें कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ काइंडली। अच्छा, वो फारूक कहते हैं कि मैं ना किसी भी
किसी को किसी ना नबी को मानता था ना मैं आखिर को मानता था ना मैं तकदीर पे यकीन रखता था, उसका ये मानता था कि कोई जात है जिसने सबको पैदा किया है। तो उसको टाइम मशीन बनाने का बहुत शौक था, टाइम ट्रेवलिंग का। आप लोग में से किसी की ना काइंडली माइक को अपने जरा म्यूट कर दें क्योंकि पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है, जरा चेक कीजिए माइक को उनको म्यूट। मरियम अहमद आप काइंडली अपने माइक को जरा म्यूट कीजिएगा, मेरी बात खत्म हो जाए ना फिर आप लोग बोल सकते हैं, मेरी जस्ट बात मुझे काइंडली फिनिश करने थे। तो वो कहता है कि मुझे टाइम ट्रेवल और मुझे टाइम मशीन बनाने का बहुत शौक था, मैंने बहुत रिसर्च की और मैंने बहुत कॉलम बड़ा मटेरियल पढ़ा, आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं नहीं बना सकता टाइम मशीन और ना ही मैं फ्यूचर में जा सकता हूँ ना मैं पास्ट में जा सकता हूँ। लेकिन ये सारी रिसर्च के दौरान बड़ी एक हैरत अंगेज बात मुझे पता चली और वो ये कि एक इंसान था 1400 साल पहले और एक किताब थी जिसने 1400 साल 1500 साल बाद के भी हालात बयान आगे यानी फ्यूचर के भी हालात बयान कर दिए और मैं बहुत हैरान हुआ कि ये टाइम मशीन के बगैर ये कैसे मुमकिन है। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ ये चीज़ डिस्कस की। आपको पता है कि कोई भी इंसान के जहन में चीज़ होती है वो अपने दोस्तों से ज़रूर डिस्कस करता है, अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे वो इजी फील करता है आपस में बातचीत करके, जैसे हमारी ये महफिल है हम आपस में इजी फील कर सकते हैं, हम आपस में शेयर कर सकते हैं हमारे जहन में क्या चीज़ चल रही है। देखें इंसान के जहन में जो भी सवाल आता है ना वो कभी भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके जहन में डाला है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ना अल्लाह ने उसके जहन में डाला है। तो जैसे आज मेरी बेटी पूछ रही थी कि मम्मा बूढ़े जवान होके जाएंगे तो जो बच्चे हैं वो बच्चे ही रहेंगे या वो भी जवान होके जाएंगे, वो जन्नत में जब दाखिल होंगे तो कैसे दाखिल होंगे। अब मैंने भी ये सुना हुआ था कि बूढ़े जवान होके जाएंगे लेकिन बच्चे किस तरह से जाएंगे, क्या वो बच्चों की शक्ल में जाएंगे या जवान होके जाएंगे। मैंने सर अब्दुल आलम जैदी को ये मैसेज किया और आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, अरेबिक के टीचर हैं, आलिम भी हैं, हदीस फिक्र पढ़ाते हैं। जब मैंने उनको मैसेज किया सर कहते हैं हम ना बच्चों का एक प्रॉपर एक सेशन हम अरेंज करते हैं और आप अपनी बेटी से कहिएगा उसमें सवाल करें, मैं बहुत डिटेल में जवाब दूंगा। फिर दूसरा सवाल उसने ये पूछा मम्मा अगर हमारी रूहों ने वादा किया था तो मुझे वो वादा नहीं याद आता, मुझे तो मेरे तो जहन में नहीं है कि मैंने अल्लाह ताला से कोई वादा किया था जब अल्लाह ताला ने कहा था लस्तु बिरब्बिकुम, बिकॉज आई वॉज डिस्कसिंग माई किड्स ऑल दैट सिनेरियो के आलम अरवा और वहाँ भी कबीले हैं और आपस के रिलेशंस एंड ऑल दैट। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा बेटा याद आ भी सकता है, इस ये भी एक एविडेंस है क्योंकि एक सहाबी ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मुझे वो ये वादा याद आ गया जो आलम अरवा में मैंने किया था अल्लाह से। तो उसने कहा कि वो कौन सा ऐसा तरीका है मेथड है जिससे मुझे वो वादा याद आ जाए। अब मुझे उस सवाल का जवाब नहीं आता था, मैंने वो भी सर को वैसे ही फॉरवर्ड किया। तो सर ने कहा हम इस पे ना इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। तो सवाल जो है ना वो इंसान के जहन में आ सकते हैं, सवाल आने में तो कोई बुरी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने जहन बनाया और कहा है गौर व फिक्र करो, सोचो, सवाल पैदा हो उनके जवाब ढूंढो। बैक टू दैट फारूक साहब, उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त से जब शेयर की है बात तो उसने मुझे कहा, ये काइंडली मुझे स्क्रीन शेयरिंग की इजाज़त दें हिजाब, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा, जी जी अब मैं कर देती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, इंशाल्लाह नजर आ रही होगी। ये किताब है द इस्लाम गाइड के नाम से ना, इसमें इस अबाउट इस्लाम कुछ हिस्टोरिकल कुछ कल्चरल फैक्ट्स हैं और कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की इस तरह की बातें हैं कि जो साइंस अब प्रूव करती है लेकिन कुरान पाक उनको बहुत पहले बयान कर चुका है। फारूक ने जब अपने दोस्त से ये चीज़ शेयर की ना तो उसने कहा कि उसके दोस्त ने कहा और ये सोचा कि अगर मैं इसको कुरान देता हूँ ना ये इसके लिए बहुत बड़ी और भारी बात हो जाएगी, ये उससे फौरन डिनाई करेगा और ये उसको पढ़ेगा नहीं कि शायद मैं उसको मुसलमान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने इसको ये बुक दी द इस्लाम गाइड और ये जब मैंने भी सर्च की ये इंटरनेट पर पढ़ी हुई थी, ये मतलब छोटी सी बुक है, बहुत कोई लंबी छोटी बुक नहीं है, आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है, बड़े इसमें फैक्ट जो है ना वो बयान किए गए हैं। तो कहता जब मैंने ये बुक खोली ना और पहले ही पेज पे सूरह मोमिनून की ये जो है आयत थी
जिसमें अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि मैंने इंसान को ना मट्टी से पैदा किया है, और मट्टी से पैदा भी किया है तो वो क्या कि अलग अलग का लफ्ज यूज किया है कि मैंने उसको अलग से पैदा किया है। अब हमें पता है सूरह अलक में भी अल्लाह ताला ने बयान किया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, कि मैंने इंसान को अलग से पैदा किया। और अलग की अगर आप डेफिनेशन देखें ना तो वो ब्लड क्लॉट, एक खून का एक लोथड़ा या एक लटकी हुई चीज, या इसका जो मतलब है ना वो जोंक, इसका मतलब जोंक भी है। तो फारूक कहते हैं कि जब मैंने अलग पहली सूरत ये देखी, ये पहला ही लिटरेचर, पहला ही सफ़ा खोला जो इसका कंटेंट था, पहला चैप्टर, तो उसमें जब ये आयत मैंने पढ़ी ना तो मैं हैरान रह गया। जिसको अलग का मतलब नहीं आता ना वो जाके ढूंढ ले कि अलग का मतलब जोंक है। मैं यहीं पे फंस गया कि मुझे अलग का मतलब आता था कि इसका मतलब तो जोंक है, और जो खसूसियात जोंक में है ना उसी तरह से अलग जो इंसान के जिस्म में जो खून का जो अल्लाह ताला खून जो ब्लड क्लॉट पैदा कर देते हैं ना वो सेम वही काम कर रहा होता है। लीच भी क्या करता है कि वो अपने आप को ना होस्ट के साथ कनेक्ट कर लेता है, जोड़ लेता है, और बिल्कुल पहले वो ब्लड क्लॉट की तरह सेम वो जुड़ जाता है, उसके बाद वो खून पीना शुरू कर देता है। अब जब खून वो पीता है ना, खून उसकी बॉडी में आकर जमना शुरू कर देता है। आप उसको जितना मर्जी खींच लो, उतार लो, वो नहीं उतरेगा, यहाँ तक कि आप उसको या तो जलाओ या आप उसको क्या करोगे कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। जब वो खून से भर जाएगा ना वो खुद गिर जाएगा। तो कहता मैं हैरान रह गया कि जब मैंने लीच की ये शक्ल आपके सामने आ रही होगी, और जो ह्यूमन एम्ब्रियो है ना इसकी शक्ल भी सेम लीच की तरह होती है। तो कहता मैं हैरान रह गया कि ह्यूमन एम्ब्रियो भी सेम वही काम करता है जो एक लीच करती है, कि वो अपने आप को जोड़ लेता है अपने होस्ट से, और वो बिल्कुल ये नीचे इवन पिक्चर्स भी हैं कि एक लटकी हुई सस्पेंशन जैसी चीज बन जाता है। अब माँ चाहे सीढ़ियां चढ़े, चाहे माँ छलांगे लगाए, वो अपने अपनी जगह से नहीं हिलता। उसके बाद एक खास टाइम पीरियड के बाद आके उसका दिल अल्लाह ताला उसमें बनाते हैं, और वो दिल खून को पंप करना शुरू करता है, और जब तक वो पूरा तैयार नहीं होता, वो भर नहीं जाता, वो तब तक इंसान के जिस्म से नहीं निकलता, उसको छोड़ता नहीं है। तो कहता इस चीज ने मुझ पर इतना असर किया कि मैंने उसको कहा कि ये आखिर ये तो साइंस अब प्रूव कर रहा है। ये 1400 साल पहले तो इतनी इतनी साइंस टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं थी, लोगों को कैसे पता चला। फिर उसने मुझे कुरान दिया और कहता जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, अब यहाँ पे देखें हम ना डिफरेंस देखेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है, शायद आप मेरी बात को समझ सकें। वो कहते हैं जब मैंने पहली ही अल्फातिहा के बाद जो पहली सूरत है, यानी कि दूसरी सूरत अल-बकरा, जो कि कुरान पाक की 7 मंजिलों में पहली मंजिल की पहली सूरत है, वो कहते हैं जब मैंने अल-बकरा को स्टडी किया तो दूसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़ालिकल किताबुल रैब फीहि हुदल्लिल मुत्तकीन। तो मैं हैरान रह गया कि हम कोई भी बुक उठा लेना, कितनी ही जबरदस्त लिखी हुई, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, बहुत बड़ा फिलोसोफर हो जाए, बड़ा जबरदस्त वो लिटरेचर जिसको दुनिया में जाना माना जाता हो, आप वो अपनी बुक के शुरू में क्या लिखता है कि मैं ये क्लेम नहीं करता कि इसमें किसी किस्म की गलती नहीं होगी। हर शख्स, हर रिसर्चर, हर साइंटिस्ट ये लिखता है कि इसमें कोई ना कोई गलती पाई जा सकती है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो कहता मैं हैरान रह गया कि जिसने ये किताब लिखी है वो पहले ये क्लेम कर रहा है कि तुम इसमें इतनी सी भी गलती, इतना सा भी शक, इतना सा भी शुबा नहीं पाओगे। हुदल्लिल मुत्तकीन, और इसमें हिदायत मुत्तकीन यानी डरने वालों के लिए। तो कहता कि मैं इस फैक्ट से हैरान रह गया कि लाइक हाउ इट कैन बी, जो है ना क्या कहते हैं, ये दावा नहीं कर सका। जी आप लोग में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? Just I am going to... नहीं हफ्सा माइक ऑफ करवा दें, वो रैंडम किसी का माइक खुला हुआ है। कर दी। मैं आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए एक साइंटिफिक एविडेंस भी देना चाहती हूँ, जो कि मैंने चैट में भी लिखा है। अब जब हम लोग न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर ने कहा था कि ह्यूमन एम्ब्रियो इज द मोस्ट परफेक्ट पैरासाइट, क्योंकि इसको पता नहीं चलता, इसको कोई कंसर्न नहीं है कि माँ की बॉडी जिस मर्जी हालत में है उसने अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना है।
अगर मामा के पास कैल्शियम नहीं है और ह्यूमन एम्ब्रियो को कैल्शियम चाहिए, तो जो मामा है उसकी, वो अपनी हड्डियाँ और उसकी जो टीथ वगैरह है ये सारे डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम आए और कैल्शियम जो है वो एम्ब्रियो के अंदर चला जाए. इसी तरह उसके तमाम आयरन स्टोर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे और इसी तरह सारे न्यूट्रिएंट्स. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ जिस मर्जी हालत में, उस बच्चे ने अपने आप को कंप्लीट करना है और उसने अपनी तमाम न्यूट्रिएंट्स अपनी माँ से ही लेनी. सुभान अल्लाह. अच्छा ये मैंने ना आपको फारूक का पूरा किस्सा सुनाया. अब ये है कि मैं जब छोटी थी ना, तो मेरे जहन में ना ये सवाल आता था कि अगर अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो जब दुनिया नहीं बनी थी, हम तो साइंस ये कहती है ना बिग बैंग, और ये कुरान पाक की एक आयत थी है. मैं एक दफ़ा तिलावत कर रही थी तो मेरे जहन में ना झमाका हुआ, क्योंकि वो आयत इस तरह की थी, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है. इंशाल्लाह वो फिर आएगी, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से तिलावत में जब मेरे सामने आई. उसमें अल्लाह ताला ने बिग बैंग को इशारा किया था. तो हम ये कहते हैं ना कि बिग बैंग से दुनिया स्टार्ट हुई थी. तो मेरे जहन में ना छोटे होते ये सवाल आता था कि जब बिग बैंग नहीं था तो उससे पहले क्या था, मतलब उसके बाद ना मेरा दिमाग जिसे कहते हैं ना भक एक धमाके चलना शुरू हो जाते थे. और मैं फिर ये सोचती हूँ कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा. तो फिर भी ना, ये मैं आपको तब की बात बता रही हूँ, आई वॉज किड, या आप यूं समझ लें नाइन्थ तक, क्लास नाइन तक, मैट्रिक तक, जब आपका ब्रेन पूरा बन जाता है ना 12 साल की एज तक, उसके बाद इस तरह के धमाके हो रहे होते हैं 12वें साल में, और बड़ी बड़ी सवाल जहन में आ रहे होते हैं कि क्यों, क्या, किस तरह. तो हम बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ही है कि हमने अपने व्हाट और वाई के जवाब तलाश करने हैं कुरान पाक के हर एक चीज को लेके. हमने इसके साथ अपने आप को जोड़ना है, जैसे जोंक जुड़ती है ना, आप समझ लें कि हमने जोंक की तरह इंशाल्लाह हमने इसके साथ जुड़ना है. अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे कि हम अपना जो इल्म है ना उसको ज़ाया ना करें, या हम उस इल्म की तरफ ना जाएं. अल्लाह ताला से दुआएं जो हमें ज़ाया कर दे. अल्लाह ताला हमें ऐसा इल्म दे जो नाफे हो, जो हमें अल्लाह ताला से उसकी किताब से टाइटली कनेक्ट करे. तो मेरे ये सवाल जब मैं सोचती थी ना, मेरा दिमाग भक से उठता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग कुरान, मैंने तर्जमा पढ़ा, तफसीर पढ़ी, थोड़ी मुझे चीज़ें समझ में आई, तो अल्लाह ताला ने साफ कहा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, कि हर चीज को फना है सिवाय तुम्हारी रब की ज़ात के. तो जब अल्लाह ताला सूरह अल फातिहा के स्टार्ट में कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी पूरी इल्म की जो है ना राहें खोल रहे हैं, रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का रब. अब वो जहान कौन कौन से हैं, उसको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ जो फिजिक्स वाले जो बैठे होंगे सारा पता नहीं है या नहीं, और मैं बाकियों को नहीं, मुझे पता कि किसका फिजिक्स, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है वो किस किस का है. लेकिन आपको पता है जब हम ये बात कर देते हैं ना तमाम जहानों का, आलमीन, यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस, इट इज़ सच अ बिग कॉन्सेप्ट. और ऐसा कोई आप गड़बड़ा जाते हो ना कि अब आप किस चीज़ को पकड़ोगे, किस चीज़ को छोड़ोगे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन है. मे बी हमारा सिस्टम तो वाइंड अप हो जाएगा, जन्नत दोजख का फैसला हो जाएगा. हो सकता है और ऐसी कोई आलम हो, कोई जहान हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हों, जहाँ पे हर चीज़ के मतलब ही और हों. जैसे ख्वाबों के बारे में कहा जाता है कि ख्वाब जो आप देखते हो, तो कहा क्या जाता है, इलामा इब्ने सीरीन ने इस पर बड़ी ऐसी जामे बुक लिखी है कि आज तक किसी ने लिखी ताबीर रोया के नाम से, जिसमें ख्वाबों कि पूरी डिटेल, यानी कि अगर आप एक चीज ख्वाब में देखते हो, सांप की जैसे मैं मिसाल देती हूँ, तो आपको उसमें 22 किस्म की ताबीरें मिलेंगी कि सांप अगर आपने ऐसे देखा है तो इसकी ये ताबीर है, इस रंग का है तो ये ताबीर है, अगर आपने ज्यादा सांप देखे हैं तो ऐसा होगा, सांप आपको काट नहीं रहा तो इसकी ये ताबीर है, काट लिया है तो उसकी भी अलग अलग ताबीरें हैं. तो ये जो हम कहते हैं ना कि इल्मुल गैब, इल्मुल गैब क्या चीज है, तो आप देखो हमारे जो वर्ल्ड है ना, हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें पानी का मतलब पानी है, सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है जिसको हम पीते हैं. लेकिन
दूसरी यूनिवर्स में पानी किस शक्ल में हो, लिक्विड में होता है या नहीं होता, और उसका नाम क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है, या ख्वाब में अगर हम पानी देखते हैं तो आपको पता है कि उसका मतलब पानी नहीं होता, उसका मतलब कुछ और होता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी तरह के हमारे अपने आलम के अंदर ना, ये जो हम जिस दुनिया में जी रहे हैं इसके अंदर इतनी दुनियाएं हैं। जब हम माँ के बतन में थे वो बिल्कुल एक ऐसा फेस था, हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, हमें बचपन की अपनी बहुत छोटी छोटी बातें, चीदा चीदा बातें उसी तरह से याद हैं जैसे हमें ख्वाब याद होते हैं, और ख्वाब भी हमें सारे ख्वाब याद नहीं होते, और जब हम ख्वाब में होते हैं तो हमें पता है कि अक्सर ऐसे काम हो रहे होते हैं जो ख्वाब में हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन जब हम जागते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने किस तरह का ख्वाब देखा है। समटाइम्स हम कहते हैं यार किस तरह का स्टूपिड किस्म का ख्वाब था, और समटाइम्स हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या चीज़ दिखा दी, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो हम इतने हैरान हो रहे होते हैं अक्सर अपने ख्वाबों पे कि आप, हम इससे इनकार नहीं कर सकते ख्वाब के, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्वाब सुनते थे, और इवन उनको ताबीर भी बताते थे, उनको गाइड भी करते थे। ऑफकोर्स ताबीर रोया ऐसे तो नहीं लिखी गई। तो हर चीज़ की ना एक डिफरेंट शक्ल होती है डिफरेंट यूनिवर्स में। तो अल्लाह ताला इतनी इतनी अल्लाह की अजीम ज़ात है कि हम उसकी ज़ात का अहाता नहीं कर सकते। हम सोचते हैं ना तो हम सोचते रह जाते हैं और इतने हैरान होते हैं कि हमें अपनी हैरानगी की हद भी नहीं मिलती। आई गेस वी हैव ओनली 7 मिनट्स। अब मैं बोलती रह गई तो बस फिर आप लोगों में से किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है ना वो जरूर कहे। मैंने एक्चुअली बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है ऑफकोर्स, तो इंशाल्लाह उसको हम कल के सेशन पे रखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से जरूर कोई अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहता है वो जरूर करे। जी जी जज़ाकअल्लाह साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की, और मैं व्हाट एंड वाई के तो बहुत ज्यादा, बल्कि यहाँ तक कि जब मैं व्हाट एंड वाई के क्वेश्चन अपनी किसी भी तफसीर या किसी आलम से भी करती थी, और जब स्टार्ट में मैंने कुरान पाक की तफसीर शुरू की तो मुझे ये कहा जाता था कि तुम ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो, मीन के तुम इस तरह से अल्लाह ताला के बारे में कैसे पूछ सकती हो ना, जो स्टार्ट में मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मुझे खुद ही उसके जवाब दे दिए ना, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन आपने अभी जो ये फारूक साहब की उसमें बताया है सूरत मिनून की जो आयत का बताया है, तो एक्चुअली हमने जब सीरत शुरू की थी तो हमारी मैम ने ना हमें एक टास्क दिया था, मुझे स्टार्ट से ही कुरान पाक की किसी भी आयत का ना साइंस से रिसर्च करना बहुत मज़ा देता है और मुझे अच्छा लगता है, जब मैं उधर से भी निकाल लेती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और कुरान पाक से मेरी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे लॉजिक मिलता है तो मुझे खुशी होती है, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अल्लाह कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हदीस में बताया तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो वो हमें टास्क मिला था कि इंस्टॉलमेंट प्रोसेस ना, यानी कि रूह कब आती है फीटस में, तो उसमें मैं खुद मेडिकली उससे हूँ, फील्ड से हूँ, तो मैंने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ था प्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह, लेकिन उस वक्त मैंने सूरतुल मोमिनून की आयत पढ़ी। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर है अभी कि जब मैंने इसको सर्च किया था तो जो अलग का है ना, तो अलग का रिलेटेड था ड्रॉप ऑफ वाटर से, यानी कि लाइक जाइगोट जो कि स्पर्म और ओवम मिल के बनाते हैं ना, जस्ट जाइगोट। और जो अलग के बाद सेकंड स्टेज है ना मुजगा जो के उसके बाद आती है, तो वो एक लीच से था ना, तो ये अगर काइंडली आप क्लियर कर देंगे तो। जी जी जी, अलग जो है ना, ये देखें अरबी में ना एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे अल्फातिहा है, ठीक है, अब अल्फातिहा जो है ना उसका मतलब है द ओपनिंग, हम ओपनिंग डोर कह लें, द की कह लें, या खोलने वाली। अब वो खोलने वाली क्या, अब इसका देखें अगर हम मफहूमी मतलब लेना तो वो बहुत मतलब बनते हैं। आप लोग सारे डिफरेंट फील्ड के हो, आप लोग अपनी अपनी ना फील्ड में इस चीज़ को लेके सोच सकते हो कि अल्फातिहा अल्लाह ताला आपके लिए क्या चीज़ खोल रहा है। और लिटरली नाजिश अगर आपने वो जो हमने प्रीवियस जो 3 वीक्स में जो क्लासेस ली थी तो उसमें आपको याद हो तो मैंने एक बात की थी कि कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, और चूंकि मेरी फील्ड मैथमेटिक्स है तो मैंने वहां से ना एक सीक्वेंस बनाया, उसका सीरीज बनाया, और आज मेरे जेहन में ये आ रहा था कि इस सीरीज का सम क्या होगा।
तो अल्लाह ताला हर एक इंसान के जहन के लिहाज से ना वो वसत देते हैं और खोलते हैं सोच की नई राहें। तो अलका का जो अरेबिक में भी जो मतलब है ना, ये बुक भी मैंने आपको दिखाई है, उसमें भी इवन मेंशन है कि, और आज मैडम अमारा के साथ भी मैं डिस्कस कर रही थी, अमारा आपको याद हो सुबह जो हमारी क्लास हो गई थी तो उसमें आपने कहा कि पहले क्या बात हुई है मुझे बताएं, मैंने लेट ज्वाइन किया, तो वो यही बात हो रही थी कि अलका का जो मतलब है ना वो लीच है, वो जोंक है। अब उसको आप जो भी स्टेज ले लें, आखिर लीच जो है ना वो अपनी फर्स्ट स्टेज में होती है, वो लीच ही रहती है, वो भी तो कहीं से स्टार्ट हुई है ना। तो सिंपल ये बात है, तो इसका मतलब अरेबिक में जो है ना वो लीच भी है, आप उसकी लीच की जैसी भी स्टेज ले लें। लेकिन जो मेन जो पॉइंट है ना, जो मकसद है इस बात का, वो ये कि ह्यूमन एम्ब्रियो और लीच अगर हम देखें ना, इनका फंक्शन भी एक जैसा है, इनकी शक्ल भी एक जैसी है, और लाइक एट द एंड तक नफ्सियात भी इनकी एक जैसी है। जी खाला जान, आप कुछ कहेंगी? जी जी, मैं हफ्सा बस एक दो चीजें ऐड करूंगी आपकी। आपने जो पहले बात की कि सहाबा कराम क्या इसी वजह से थी कि कुरान को पढ़ के उन्होंने दुनिया में इतना बड़ा चेंज लिया, आपने उसका जो वजह बताई वो अरेबिक बताई, बिला शुबा अरेबिक भी है, लेकिन बस उसी में ऐड करूंगी कि चूंकि उनके दरमियान चलते फिरते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी जात का पूरा नमूना था, तो वो रिलेट कर पाते थे कि जो वो कुरान में पढ़ रहे हैं ना वो चलती फिरती मुजस्सम सूरत में उनको नजर आती थी। ये वजह थी महद, एक मिनट, ये वजह थी कि उनको दुनिया को बदलने के लिए ना उनको उस शख्सियत के कैरिज्मे ने जकड़ लिया, एक बात होगी। तो दूसरी बात, सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज यूं कहना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बारे में जो हजरत आयशा रजी अल्लाह का जो फरमान है कि वो चलता फिरता कुरान थे, तो वो दोनों चीजें उनके दरमियान जब थी ना वो रिलेट कर पाते थे। वो कहते थे जो हम पढ़ते हैं, जो वही आती है हमें, वो उस बंदे की जात में मुजस्सम हर चीज नजर आती है। जी, तो ये हम जो चेंज इसलिए नहीं ला पा रहे ना कि जो कुरान हमारे साथ है हमारी जात की तो कहीं झलक नजर ही नहीं आती, या हमारी जात में कहीं भी ये नहीं, एक बंदा जो आउटसाइडर है, जो डिटैच्ड है, वो रिलेट ही नहीं कर पाता जब वो कुरान पढ़ता है और आज के मुसलमान को देखता है, वो देखता कि कुछ भी ऐसा कॉमन है ही नहीं बीच में। तो इस वजह से हम लोग कोई चेंज नहीं ला पाते, एक बात। दूसरा, वो आपने सूरह अंबिया की आयत है वो मेरे जहन में आ गई थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो कॉस्मोलॉजी के सेशंस किए थे अपने ग्रुप में, तो उसके अंदर है कि जमीन और आसमान अल्लाह पाक कहते हैं, सूरह अंबिया की आयत में मुझे आइडिया कि जमीन और आसमान पहले बाहम मिले हुए थे और अल्लाह ने एक इकाई की सूरत, और अल्लाह ने उसको फाड़ कर उनको जुदा कर दिया, और उसके लिए जो वर्ड आता है ना उसमें वो रतक और फतक, रा ता क और फा ता कौफ, ये वर्ड ऑपोजिट है, ये वर्ड ऑपोजिट है, और रतक का मतलब होता है कि कोई चीज सिंगुलैरिटी की सूरत में इकट्ठी हो, और फतक का मतलब होता है कि उसको फाड़ के जुदा जुदा कर दिया। तो ये इसके अंदर बिग बैंग की थ्योरी वहां से कुरान पाक में आती है। जी जी जी, बिल्कुल यही आयत है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही थी कि ये किस सूरा की आयत है। खाला जान, मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे जो सबसे बड़ी जो एक वजह नजर आई ना सबसे पहले, वो तो अरेबिक थी। ऑफ कोर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, और हो सकता है इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हो, हमें देखें वही वजूहात तो हमें तलाश करनी है। अगर हम एक एक्टिविस्ट बनना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं माशरे में चेंज आए, हमारी नस्लों में चेंज आए, तो ऑफ कोर्स हम औरतों को स्पेसिफिकली अपनी औलाद पे, पेरेंटिंग पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमने उनको किस तरह से लेके चलना है, किस नहज पे लेके चलना है, और किस तरह से